हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने देवास टेकरी। हम नाइट के टाइम जा रहे हैं, हमने सोचा कि नाइट में जाएंगे तो थोड़ा सा कम रश रहेगा और हम जल्दी दर्शन करके आ जाएंगे। तो हमने कार पार्क कर दी है और हम पैदल ही निकल गए हैं। हम रोप वे से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि रश कम था, तो हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जितने भी भक्तजन होते हैं सब अपनी मनोकामनाएं लेके यहाँ पे आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती है। आप सब जानते ही होंगे कि इस टेकरी पर माँ चामुंडा का मंदिर है। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, बातों ही बातों में हम माता रानी के मंदिर तक पहुंच गए हैं और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा देर तक मंदिर में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। सब भक्तजनों को दर्शन करके जल्द से जल्द गेट से बाहर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना रहे। उसके बाद हम आगे निकल गए हैं। फिर रास्ते में जितने भी मंदिर आए हमने सब जगह दर्शन किए और दर्शन करके हम आगे बढ़ते रहे। कृषा सो रही थी, वो उठ गई है, अब उसको मस्ती करने की सूझ रही है। हमने उसको पूरे रास्ते इस तरह से मस्ती करवाई ताकि उसका भी एंटरटेनमेंट होता रहे। दर्शन करके टेकरी से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर मेला लग रहा है तो किशा को खिलौने दिख रहे हैं, उसे खिलौना लेना है। तो हमने सोचा कि देखते हैं उसके लिए कुछ अच्छा मिलेगा तो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे शॉप पे देखा। फाइनली फिर किशा के लिए हमने ये बॉल ली है, तो उसके किशा से ज़्यादा तो हम लोग आपस में खेल रहे थे, उससे पूरे रास्ते खेलते खेलते आए हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग लेट हो गए थे तो हमने सोचा रास्ते में रुक जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। तो फास्ट था, हमने कुछ खाया तो नहीं लेकिन जूस पिया है। जूस पीने के बाद में हम वापस घर के लिए निकल गए। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने इस व्लॉग को कितना एंजॉय किया, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे फॉलो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।